हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंजल गैब्रियल टैरेट्स। आज मैं आपको जो सिंह राशि के जो लोग हैं, सिंह राशि यानी कि लियो राशि एग्जॉटिक साइन जिनका है, उनके बारे में, जो जातक हैं उनके बारे में बताऊंगी। मैं कार्ड्स आपके सामने शफल कर रही हूं। 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक का समय उनका कैसा जाने वाला है, हाफ ऑफ द मंथ उनका कैसा जाएगा, उनका करियर, उनकी हेल्थ, उनकी मैरिज लाइफ, ये सब मैं अपने कार्ड्स के थ्रू बताऊंगी। मैंने ये कार्ड्स आप लोग के लिए स्पेशली जो हैं वो यूज़ किए हैं इस बार अक्टूबर के मंथ के लिए। तो मेरे पास बहुत सारे कार्ड्स हैं, तो मैं सबसे पहले चाहूँगी कि मैं आपका करियर जानना चाहूँगी, आपके करियर में कैसा जाने वाला है। मैं अपने कार्ड से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो बताएं कि आपका करियर कैसा जाने वाला है। अगर मैं आपके करियर की बात करूं, जो सिंह राशि वाले लोग हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो सिंह राशि के हैं। पहला कार्ड जो फॉल हुआ था मेरे हाथ से और आपने देखा होगा, तो ये कार्ड ये बताता है, इस कार्ड का ये मीनिंग है कि आप जो हैं वो बहुत ही डे ड्रीमिंग करेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मैं एक प्लान करके चल रहा हूँ, लेकिन आपकी प्लानिंग जो है वो आपकी डे ड्रीमिंग के फॉर्म में होगी। यानी कि आप केवल ड्रीम कर रहे हैं, एक्चुअल में कुछ प्लान नहीं कर पा रहे हैं। या ये हो सकता है कि आप प्लान तो कर रहे होंगे लेकिन आप उस पर अमल नहीं कर पा रहे होंगे। तो डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा है, मतलब दिखावटीपन ऊपर से और अंदर से सब कुछ खोखला। तो ऐसी प्लानिंग करते हुए आपके विचार ऐसे दिखा रहा है, तो ऐसा मत करिए। कि जो प्लान कर रहे हैं वो ठोस होना चाहिए, ऐसा ये कार्ड मैसेज कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जो आप प्लान करें वो डे ड्रीमिंग की तरह के फॉर्म में हो। दूसरा आपका कार्ड आया है कि आप जो भी प्लान कर रहे हैं अपने करियर को लेकर के, जॉब कहीं पे कर रहे होंगे आप, कहीं पे अगर अप्लाई करना चाहते हैं, तो शायद अपने आप को बहुत ही बंधा हुआ महसूस करेंगे आप। मतलब आपके लिए जैसे कहते हैं ना कि किस्मत का द्वार तो खुला हुआ है, लेकिन आप ही उस द्वार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। यू कैनॉट रीच दैट डोर, डोर इज़ ओपन फॉर यू, आपके लिए डोर खुला हुआ है, लेकिन आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हो। आप उस डोर तक आप जैसे बंधे हुए से महसूस करोगे, रिजर्व्ड महसूस करोगे। आपको अंदर से खींचन टाइप की महसूस हो सकती है कि मैंने यहाँ अप्लाई किया, शायद हो जाए शायद, लेकिन हो नहीं पा रहा है। जैसे डे ड्रीम करना कि हाँ मेरे यहाँ पे नौकरी लगी जाएगी, या जो नौकरी कर रहे हैं उनका प्रमोशन होने वाला है, तो अगेन वही डे ड्रीमिंग। तो इन 15 डेज में ऐसा ही कुछ होने वाला है आपके साथ। तो जो भी प्लान करके चले, देखिए रियलिटी पे बिलीव करिए। कार्ड अगर मैं यहाँ पे देख सकती हूँ तो रियलिटी पे बिलीव करिए। रियलिटी पे बिलीव करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ अपना कुछ क्रिएटिव, कुछ जो आप का मन कह रहा हो करने के लिए, बिजनेस खोलने के लिए कोई, या जिस अगर आप बिजनेस में ऑलरेडी हैं तो वहाँ पे कुछ क्रिएटिव काम आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। जैसे कि जैसे होता है ना कि चेंज लाना अपनी लाइफ में, कुछ न्यू बिगनिंग करना, तो कुछ भी आप अपनी पढ़ाई लिखाई या जो आपकी हॉबीज़ हैं उन हॉबीज़ में मन लगाइए, तो कहीं ना कहीं आपका माइंड खुलेगा कि आपको करियर में कहाँ पे आपको फील्ड में आपको पकड़ना है, किस में आपकी पकड़ ज़्यादा अच्छी है। तो ये चीज़ आपके यहाँ पे ये जो कार्ड आया है ये यही कह रहा है कि यू शुड बी अ वेरी गुड आर्टिस्ट, और डांस क्लासेस या इस तरीके से चीज़ें आप कर सकते हैं इस वक्त करियर को अच्छा बनाने के लिए। क्योंकि देखिए क्या होता है कि वर्क प्लेस होती है जहाँ आप काम कर रहे होते हैं, वहाँ बोर हो जाता है एक समय के बाद, आदमी टेंशन हो जाती है। जैसा कि मैं सही अगर आप कह रही होंगी, अगर सिंह राशि वालों के लिए, तो क्या होता है कि आप जब बोर हो जाते हैं तो काम से हटने लगते हैं, फिर आप प्लानिंग नहीं कर पाते। तो इस वजह से जो है अच्छा है कि आप अपनी कुछ हॉबीज़ कुछ पकड़ें, कुछ पढ़ाई लिखाई का काम, या कुछ ड्राइंग वगैरह, या अगर सिंगिंग डांसिंग आपका जो भी हॉबीज़ आपकी हैं वो आप कर सकते हैं। चौथा कार्ड आपका आया है कि अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे, ये जो कार्ड जो यहाँ पे कह रहा है ये सब चीज़ें करेंगे, तो आपको एक प्रोग्रेस नज़र आएगी। यू शुड बी वेरी प्रोग्रेसिव, ठीक है। तो ये कार्ड्स यही सब यहाँ पे आपके करियर में को लेके कह रहे हैं। बाकी मैं आपका अब इनको किनारे कर देती हूँ।
मैं आपका मैरिज लाइफ सिंह राशि की जानना चाहूंगी कि मैरिज लाइफ कैसी जाने वाली है। मैं कार्ड आपके सामने देखे शफल कर रही हूँ, मैरिज लाइफ आपकी कैसे जाने वाली है। मैं अगर मैरिज लाइफ अगर देखना चाहूँ तो सिंह राशि वालों का मैरिज लाइफ के लिए क्या कार्ड्स हैं। मैं केवल फोर ही कार्ड्स निकालती हूँ क्योंकि फोर कार्ड्स इस जो मेरे पास टैरो कार्ड्स हैं सफिशिएंट होता है, बहुत अच्छे मैसेज इसमें मुझे मिल जाते हैं। ये भी एक आर्ट है। तो देखिए इसमें ये कार्ड ये कह रहा है कि मैरिज लाइफ में आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखा रहा है। हो सकता है कि आपको अपने बड़े मेंबर जो घर के हैं उनसे कुछ अनबन हो जाए या झगड़ा या इशू किसी बात पे हो सकता है। मतलब वो कुछ कहेंगे, आप कुछ कह रहे हैं, कुछ ना कुछ इसी में अनबन हो जाएगी। तो आप ये ध्यान रखिए कि कुछ ना कुछ अनबन होने के यहाँ पे संकेत हो रहे हैं। तो प्लीज़ अपने मैरिज लाइफ में जो आपके हस्बैंड हैं या बड़े बुज़ुर्ग जो घर में हैं, कम बोलिए, ज़्यादा बोलिए नहीं। जो वो कह रहे हैं अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, या तो अपने तरफ से कह दीजिए कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि अगर मैं ऐसा बोलूँगा झगड़ा हो जाएगा तो चुप रहिए, कुछ मत बोलिए। तो मैं यही कहूँगी आपके। अच्छा, दूसरा ये आपका कार्ड आया है ये वाला, इसमें ये साफ कह रहा है कि जो आपकी फीमेल जो आपके साथ हैं, आपकी वाइफ होंगी, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी मदर होंगी, उनसे आपको बहुत अच्छा जो है वो सपोर्ट मिलने वाला है। उनसे थोड़ा सा आपकी जो है वो संबंध अच्छे बना के रखिएगा तो आपकी फैमिली लाइफ भी अच्छे से हो जाएगी। अदरवाइज आपका मेल जो मेंबर जो अगर आपके घर में है, कोई बुज़ुर्ग है, उससे अनबन आपका दिखा रहा है। अगर आप फीमेल हैं घर में, बहू हैं घर में या इस तरह, तो आप कुछ अपनी बात नहीं कह पा रही हैं तो कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए। लेकिन आप अपनी मदर से कह सकती हैं, ऐसा इसमें कार्ड्स में दिखा रहे हैं, शेयर कर सकती हैं बात। तो और ये इसमें ये दिखा रहा है कि जो भी बात आप शेयर करेंगी अपना फैमिली मेंबर्स के साथ, आप जो समय बिताएंगे फीमेल के साथ या स्पेशली जो मदर इन लॉ हैं या मदर हैं अगर आप सिंगल हैं, तो उनके साथ समय बिताने की कोशिश करिए। अदरवाइज आपका जो है यहाँ पे डाउनफॉल दिखा रहा है, अगेन झगड़ा दिखा रहा है, अगर आप इस तरीके से मैनेज नहीं कर करेंगे तो इस चीज़ को देख के चलिएगा कि मैरिज लाइफ में आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे अगेन झगड़ा दिखा रहा है। प्लीज़ थोड़ा सा संभल के चलिएगा। जो फीमेल मेंबर्स हैं घर की, उसके साथ आप अच्छे से बिहेव करिए। और जो सिंह राशि वाले हैं उनके लिए फोर्थ कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें ये यहाँ पे साफ मैसेज है कि आप जो हैं लोगों को इंस्ट्रक्ट करने का काम करेंगे, मतलब बात संभालने के लिए। अगर झगड़ा हो रहा है, इस कार्ड को मैं अगर रिलेट करूँ तो कार्ड ये कह रहे हैं कि झगड़ा को संभालने के लिए आप अपना बात को संभालने की कोशिश करेंगे। आपको उसके लिए बहुत ही स्किल्ड होना चाहिए, यू शुड बी वेरी एजुकेटेड। एजुकेटेड पर्सन ही जो स्किल्ड होता है, वही अगर मान लीजिए घर में इशू हो गया है या कुछ भी अगर झगड़ा हो रहा है तो उस बात को आप संभाल लेंगे, ऐसा कार्ड इसमें कह रहे हैं। और मैं अगर जानना चाहूँ आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी हेल्थ सिंह राशि वालों के लिए हेल्थ बहुत ज़रूरी है, बिना हेल्थ के तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। देखिए कार्ड्स यहाँ पे ही निकल के आए हैं। हेल्थ आपकी अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत अच्छा समय बिताने वाले हैं। इन 15 दिनों में आपको ज़रूरत लगेगी कि फैमिली मेंबर्स के साथ रहें, उनकी सेवा करें, जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनकी सेवा करें, और जो है थोड़ा सा हारमोनियस अपना नेचर दिखाना कि हाँ हम चीज़ों को आपस में बातचीत करना, सोशल उसमें होना। तो आपकी हेल्थ जो है वो इस मामले में अगर मैं कहूँ लोगों के बीच में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अकेले मत रहिएगा, अकेले में आपको अकेलापन खाता रहेगा तो तबीयत ख़राब होने के चांसेस या डिप्रेशन में जाने के चांसेस हैं। फोर्थ जो आपका ये जो आपका कार्ड आया है वो डेविल का है, दैट मीन्स कि अगर आप अकेले रहेंगे तो कोई ना कोई आप सोचते रहेंगे कुछ पुरानी बातों को, तो उसकी वजह से आपको जो है बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस कोशिश करिएगा कि अकेलापन डिप्रेशन में ना जाएं आप,
इस वक्त लोगों के बीच में शेयर करें अपनी बातें, दिल की बात जो भी है, बीपी हाई वगैरह ये सब, बीपी लो वगैरह ये सब ना होने पाए, तो इस वजह से आपको ये केयरफुल रहना है। और जो अगर आप मान लीजिए अगर आप लोगों के बीच में नहीं जाना चाहते हैं, आपको डर लगता है किसी तरीके, तो आप एनिमल्स का सहारा ले सकते हैं, उनके साथ समय बिता सकते हैं, कहीं भी आप एक एनिमल ले सकते हैं अपने पाल सकते हैं। और अगर एनिमल्स नहीं हैं आपके घर में तो चिड़ियाँ होती हैं, छोटी चिड़ियाँ आप ले आइए, उनके साथ थोड़ा दाना वाना डाल के आप, लेकिन किसी भी तरीके अगर अकेले रहेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। कोई जना आपका फ़ायदा उठा सकता है, आपकी फीलिंग्स का फ़ायदा उठा सकता है, तो घर वालों के साथ अपना समय बिताइए। हेल्थ आपकी जो है वो 50-50 दिख रही है यहाँ पे, तो ऐसा ही कार्ड्स इसमें यहाँ पे कह रहे हैं। तो आई थिंक ये कार्ड्स आपको 15 दिन के लिए आपको रिलेट कर रहे होंगे, तो मेरे मैसेजेस आपको पहुँच गए होंगे जितने भी सिंह राशि के जातक हैं। तो थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू व्यूअर्स।